मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना के असर की वजह से हमारे देश में किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। पूरे देश में लॉकडाउन है और महाराष्ट्र में कर्फ्यू है। कोरोना के बढ़ते कदम के बावजूद बहुत सारे लोग अब भी सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत को समझ नहीं रहे। हमारे शहरों की गलियों में और मोहल्लों में हमारे बच्चे और हमारे नौजवान खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सरकार ने जो कदम कर्फ्यू की मदद से उठाया है वो हमारी भलाई के लिए। अगर कोरोना वायरस बढ़ गया और तीसरे स्टेज में दाखिल हो गया तो इटली जैसे हालात यहाँ भी हो सकते हैं। हमारी पुलिस और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हमारी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हमें भी कुछ करने की जरूरत है। हम पुलिस और हुकूमत की हिदायतों पर अमल करें। हमारी हिफाजत हमारे अपने हाथों में है। हाथ अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर। एहतियात करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। और घर ही में रहें, क्योंकि घर में रहना आईसीयू में रहने से बेहतर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्लीज प्लीज स्टे एट होम। मेरे दोस्तों, एकांत में रहें, क्योंकि एकांत इज बेटर देन ध्यान।